मेरा नाम अजीत रावरन है। मैं यहाँ का पूर्व नगर सेवक हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी सर ये तालाब में क्या हुआ था सुबह की तरह? ये सुबह जॉगिंग करने के लिए जो यहाँ पे लोग आते हैं, वो लोगों ने मुझे फोन किया कि शांताराम तालाब पे फिर एक बार मच्छी मर गई है। तो मैंने तुरंत यहाँ पे मेरे कुछ साथी यहाँ पे आके हमने ये सब देखा कि काफ़ी सारी मच्छी यहाँ पे तालाब पे मर गई थी। ये 6 महीना पहला भी ऐसा हुआ था, काफ़ी सारी मच्छी 6 महीना पहला भी यहाँ पे मरी थी। मैंने महानगर पालिका को अधिकारी उस टाइम भी बोला था कि महानगर ये पानी शुद्धिकरण करना, साफ करना बहुत जरूरी है, लेकिन महानगर पालिका बोलती है कि ये म्हाड़ा का है। कांग्रेस के आमदार राजहंस सिंह, उन्होंने यह तालाब बनाया था, लेकिन उसका पूरा मेंटेन करने की जिम्मेदारी ये महानगर पालिका की है, लेकिन महानगर पालिका ये म्हाड़ा के ऊपर डालती है। लेकिन यहाँ पे जो पहले जो वार्ड ऑफिसर जैन थे, वो हर 3-3 महीना में यहाँ पे आते थे और ये पानी चेंज करते थे। अब ये परिस्थिति नहीं, अब ये 7 साल में पानी चेंज नहीं होता है। तो ये घटना हमेशा होती है कभी? अभी ये साल की दूसरी घटना है, ये साल में दूसरी घटना हुई है। 6 महीना पहला ये ऐसा हुआ था और ऐसी ही परिस्थिति थी, आज भी यही हुआ है। और आज देखो आपके क्या टीवी के माध्यम से ये पानी का कितनी खराब पानी है, और भी मच्छी सब ऊपर आ रही है। सर ये तालाब कितने साल पुराना? ये पुराना तालाब है। जब कुरार विलेज की एंट्री, कुरार विलेज के नाम ये शांताराम तालाब से ही पहचाना जाता था, इतना पुराना तालाब है। किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ? महानगर पालिका की लापरवाही से ही होता है ना। महानगर पालिका अगर ये म्हाड़ा के ऊपर मेंटेन करने का जिम्मेदारी महानगर पालिका का ही है ना। अभी मच्छी मर गई तो साफ करने के लिए ये महानगर पालिका स्टाफ आया है, तो यही पानी अगर साफ करने के लिए, चेंज करने के लिए महानगर पालिका आती थी तो ये मोहम्मत आती नहीं है, ये मुसीबत आ गई बड़ी। नहीं बोला तो अंदाजे कम से कम 1500 मच्छी आज मरी है, 1500 के ऊपर रहेगा।